लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। इसी टैग के साथ आपने भी हजारों फोटोज इंटरनेट पर देखी होंगी। तो आज हम आपको लेके जाएंगे उसी गांव में जो कि इंडिया का लास्ट विलेज। तो माणा इंडिया चाइना बॉर्डर के काफ़ी पास है और बद्रीनाथ से इसकी डिस्टेंस है सिर्फ 3 किलोमीटर, और इसी वजह से बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद हम लोग निकले माणा को। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम माणा, इंडिया का जो लास्ट विलेज है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो माणा में एंटर करते ही हमको दिखने लगे वुलन आइटम्स बनाते हुए लोग, जो कि सामने अपने स्टॉल लगा के शॉल्स, कैप और दूसरी चीज़ें सामने बना के ही बेचते हैं। हमें देख कितने रखे रहे हो, देख कितने कह रहे हो शॉल वगैरह? 800 का। और वो टोपी 150 का। तो वैसे ऊन कहाँ से लाते हो आप? वैसे भेड़ के सारा मतलब सब हाथ से बनता है? बट इसके बाद मैं अपनी फैमिली से अलग होके माणा की गलियों में भटक सा गया। बट थैंक्स टू द विलेजर्स जिनने जगह जगह इंडिकेशंस देकर बाहर जाने का रास्ता इंडिकेट किया है। जैसे कि चाय पियेंगे। और माणा ही वो जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी निकलती है, और लोग मानते हैं कि सरस्वती नदी निकल के कहीं पे गायब सी हो जाती है, और फिर यहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा मिलके आगे बद्रीनाथ की ओर जाती हैं। तो यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम चल रहे हैं आगे भीमपुर और गणेश गुफा की ओर, जो कि आगे है। और ठंडा इतना हो रहा है यहाँ पे, हवाएं ऐसी चल रही है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। पे लिखा हुआ सब कुछ, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल, वसुधारा। देखा, वसुधारा 5 किलोमीटर है, वहाँ जा नहीं पाया। तो माणा बॉर्डर पे आखिरी गांव है, और यहाँ पर ये है आर्मी का कैंप। यहाँ पे सामने अब आर्मी का कैंप देख सकते हैं, और इससे आगे आता है माणा पास जहाँ पे विदाउट परमिशन जाना अलाउड नहीं। तो यहाँ पे मेरे सामने है सरस्वती मंदिर, और हर एक दुकान के यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। तो एक सुनने में अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि इसके आगे सीधे तिब्बत है, बॉर्डर एरिया है, इसके आगे कोई गांव नहीं है। इधर से पानी लोग लेके जाते हैं, जो कि मैंने बताया था मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, मानते हैं लोग कि उससे बीमारियाँ दूर होती हैं, तो उसको ले कर यहाँ से निकलते हैं लोग। ये भी माना जाता है कि माणा ही वो जगह है जहाँ से महाभारत में पांडव स्वर्ग की ओर निकले थे, और उसी वजह से यहाँ पे है भीमपुल जो कि दो रॉक्स को जोड़ता है। तो यहाँ पे खड़े की होके जो फीलिंग है, क्या बताऊँ, मतलब कितना ठंडा है ना। नीचे जो आवाज़ आ रही है वो सरस्वती नदी की है। इंडियाज़ लास्ट स्टॉल, मतलब आखिरी चाय की दुकान बना रही है, और ठंडा इतना है कि भीड़ आप देख ही सकते हो चाय की। कटेगा ना, कितना दूर है? ये नहीं, ऊपर रास्ता पकड़ो। अच्छा, ये वाला ही वाला। कितना कितना दूर? पास ही है। अच्छा, थोड़ा ही है। धन्यवाद। यहाँ से ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 200 मीटर ऊपर गणेश गुफा है, तो वहाँ पे चलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग गए व्यास गुफा, जहाँ पर कहते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत वहीं पर बैठ के लिखी थी। कभी बुनाई करती। अच्छा, तो मैं देसी वो नीचे से आज खरीद। तू कहीं को भिजवाते नहीं आप? वहाँ कहाँ भिजवा, यही बिकता है जो बिकता है, या फिर लोग आते। अच्छा, वो कोई ले जाना हो तो ले जाते। नहीं आता भैया? नहीं आएगा? कस कस को नहीं आता, नहीं आएगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है ना, तो यहाँ से ऊपर को ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर सतोपंत लेक है, जिसका ट्रैक करते हैं लोग, वो है प्रॉपर गियर्स के साथ करते हैं। मैं इतनी तैयारी के साथ नहीं आया था,
ना ही मुझ पे इतना टाइम है, तो मैं अभी जा रहा हूँ घर को फ़िलहाल। वैसे मेरा मन था ऊपर सतुपंत लेक से पहले भी 5 किलोमीटर के अंदर में पड़ता है एक वसुधारा वाटरफॉल, तो काफ़ी अच्छी सीनिक व्यूज़ और काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब क्लाइमेट और माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उधर तो अभी जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। मैंने अपने लिए ये कैब यहाँ से, काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है एकदम, और यही टोपी मुझे हेल्प करेगी मेरी आने वाली जर्नीज में। तो टू बी अ पार्ट ऑफ माई अपकमिंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी स्टे कनेक्टेड। सो गुड बाय।